कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th टू एम कॉम CACSCMA and BBA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। यस, नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस के सीए कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकोड और आपके सामने फिर से एक बार लेके आया है ये हमारा नया टॉपिक, जो आपको पता ही है आप लोगों ने सेम वन कंप्लीट करके सेम टू में एंट्री किया है जस्ट। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर वन चालू होने जा रहा है और चैप्टर नंबर वन का। तो आप लोगों ने थोड़ा अगर यूट्यूब के ऊपर हमने कुछ प्रीरिक्विजिट्स के वीडियो डाले थे और सब्जेक्ट इंट्रो के वीडियो डाले थे, वो अगर आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे तो भी आप उसमें से एक गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपको सिलेबस का एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि सिलेबस के अंदर एक्चुअली होने वाला क्या है। दोस्तों टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 टॉपिक्स में से सबसे आसान टॉपिक जो है वो टॉपिक नंबर वन एंड टॉपिक नंबर लास्ट, ये दो टॉपिक्स आपको बहुत ही आसान जाएंगे। इसमें बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं इसलिए आसान है, लेकिन थ्योरी को भी समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। वरना ये हो जाता है कि उसको मगअप करने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें मगअप नहीं होगा, वो एज इट इज़ याद नहीं करना एक्चुअली, ये पहले दिमाग में से आप लोग क्लियर कर लो। अभी हमारा चैप्टर नंबर वन दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इस वर्ड से ही थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ है। यू नो यू आर इनटू द बीबीए कोर्स, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हो और आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स अगर पता नहीं है तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। एडमिन करना है, मैनेजमेंट करना है, तो आप यू मस्ट नो द बिजनेस एंड उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है क्या नहीं है। आप लोगों ने अगर शार्क टैंक का कोई भी एपिसोड अगर देखा होगा तो सामने आते ही कैंडिडेट को बोला जाता है कि टेल मी यूअर स्टैटिस्टिक्स, आपके बिजनेस के स्टैटिस्टिक्स हमें बताओ। तो वो बताता है कि ROI इतना है सर, इन्वेस्टमेंट इतनी है सर, इतने साल काम हो गए, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, इतना रॉ मटेरियल के लिए खर्चा लगता है, ये सब चीज़ें, कीपिंग क्वालिटी इतनी है, शेल्फ लाइफ इतनी है, ये सब चीज़ें होती है। सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स। और वो स्टैटिस्टिक्स सुन के फिर शार्क जो होते हैं वो डिसीजन लेते कि इसमें ऊपर पैसे देना है कि नहीं देना है। दैट इज सिंपल फंडा, मतलब मार्केट में अगर आपको कुछ भी करना है तो यू मस्ट नो द बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है बीबीए का सेम टू चैप्टर नंबर वन, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बीबीए के अंदर मतलब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम लोग जो टॉपिक वन पढ़ रहे दैट इज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अभी इस नाम को भी थोड़ा सा आपको बाय फॉरगेट करके समझ लेना चाहिए कि फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रिक्वेंसी मतलब क्या एंड डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब एग्जैक्टली क्या। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये होता है रिपीटेशन। थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से अगर कोई होगा तो उनको पता होगा, कोई भी चीज़ जितनी बार रिपीट होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी भी बस स्टॉप के ऊपर चला जाऊँ और मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो वहाँ से जाने के लिए हमें कितने सारे अवेलेबल है सोर्सेस, कितनी सारी सिटी बसेस अवेलेबल है, एक घंटे में एक है, दो घंटे में तीन है, कितना है। समझ लो कि एक घंटे में चार बस वहाँ से निकलती है, तो वो क्या हो गया फ्रिक्वेंसी, 4 रिपीटेशन हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। क्लियर है सबको? तो दिस इज सिंपल फ्रिक्वेंसी वाला फंडा। फ्रिक्वेंसी का मतलब इतना ही होता है कि रिपीटेशन। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले जस्ट आप लोग एक दिया है सामने, कुछ ग्राफिकल चीज़ है, उसको ऑब्जर्व करके आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाना चाहिए कि चीज़ क्या चल रही है। यस, एनी वन एनी गेस? आपको दिख रहा होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी वर्सेस हाइट लिखा हुआ है, बराबर है, और नीचे लिखा है कुछ तो भी फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ लिखा होगा और एक कर्व दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब कोई भी चीज होती है उसको हम लोग बार में या किसी ग्राफ में जब नोटेशन देते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उसका ऐसा कुछ एक हमने चीज बना लिया। तो ये चीज क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कोई भी रिपीटेशन को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में दिखाएंगे, वो आगे बताऊंगा मैं कैसा आएगा कैसा नहीं, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन उसको समझने से पहले आपको कुछ चीजें कीप इन योर माइंड, क्या है क्या नहीं वो जरा ध्यान से समझ लो। पहली बात, ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, ओके?
तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। इसे पढ़ते समय पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में मार्किंग और अंडरलाइन करना चाहिए। ये हमारा एक क्या बोलते मतलब आपको सजेशन है। व्हाई दिस इज सो, जब आप लोग इसको रिवाइज करने जाओगे एट योर रिविजन टाइम, यू मस्ट नो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों ने अभी 30 दिन पहले एक एग्ज़ाम दिया है, तो आपको पता है कि वन डे बिफोर एग्ज़ाम क्या चीज़ होता है, और वन डे बिफोर एग्ज़ाम क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, ये बड़ा क्या बोल सकते उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। क्या एक्चुअली खोल के क्या देखूँ मैं, क्या आने वाला है, तो उसके लिए रिवाइज करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए मटेरियल। दैट्स वाई अंडरलाइन करके रखो, ताकि आपको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा सब चीज़। एंड लास्टली थ्रू आउट द लेक्चर्स और थ्रू आउट द ये 5 चैप्टर होने तक आपके साथ ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, लेकिन पेन पेंसिल स्किल होनी चाहिए, बाकी रबर इरेजर बाय डिफॉल्ट होता ही है सबके पास, एंड एक चीज़ होनी चाहिए दैट इज़ कैलकुलेटर, वो एक रह गया। कैलकुलेटर इज़ वेरी इसेंशियल इन दिस सेमेस्टर। बहुत सारी एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलसी होना जरूरी है। ओके, बिना कैलसी के आप लोग कर नहीं सकते। इस चैप्टर के लिए भले ही नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर यू मस्ट हैव कैलसी विद यू। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले व्हाई, व्हाट इज द डेटा एंड व्हाई इट इज नीड टू बी स्टडीड। हमें क्यों डेटा पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने एक नाम सुना है डेटा साइंस? आज की दुनिया में बहुत बड़ा बजवर्ड है ये, डेटा साइंस का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? इंटरनेट के ऊपर अगर यूट्यूब भी चलाओ ना आप लोग, तो बीच में ऐड आती है डेटा साइंस की, आती है कि नहीं आती है? AI का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। कुछ दिन के बाद मतलब एक रिसर्च है, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, बट इट इज़ द वेरी फैक्ट एक्चुअली। एक रिसर्च है, उस रिसर्च के हिसाब से आप लोगों ने अगर देखा अच्छे से, तो ऐसा कहते हैं कि इंडियन करिकुलम के अंदर जितने भी ये कोर्सेस है, ये कोर्सेस आउटडेटेड हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, कुछ सालों में आने वाले। क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज है वो इतने फास्ट तरीके से आगे बढ़ रही है कि इन सभी कोर्सेज के जो बच्चे निकल के आते हैं, मतलब जैसा इंसान बनाना है वो इंसान का काम रहेगा ही नहीं, वो मशीन कर लेगी। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये जो AI है इतना डेवलप हो जाएगा कि इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैनेजमेंट के लिए। तो हमें उसका भी बाप बनना चाहिए, हमें उससे भी एक स्टेप वन लेवल अप होना चाहिए। इसलिए डेटा को समझना पड़ेगा, डेटा साइंस को समझना पड़ेगा, उसके पहले डेटा को समझना पड़ेगा। तो डेटा बेसिकली क्या चीज़ है? कोई भी इंफॉर्मेशन, हम लोग कुछ भी कलेक्ट करें, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड ये एक डेटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सर्टन कॉलेज ये भी एक डेटा है, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, पॉपुलेशन, नेशनलिटी ऑफ द पीपल, कुछ भी ऐसा हम लोग कलेक्ट करें, कोई भी डेटा, मोबाइल नंबर्स ये डेटा है, एड्रेसेस ये डेटा है, आधार नंबर ये डेटा है, तुम्हारे बैंक के पिन ये भी डेटा है, ये हजारों ऐसे डेटा है। ये डेटा को कलेक्ट करके हैकर्स हैक करते हैं, साइबर सिक्योरिटी तोड़ते हैं, और दूसरी चीज़ कुछ फायरवॉल्स बनाते हैं, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले या बिजनेस मैथमेटिक्स वाले लोग अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए यही डेटा चाहिए। डेटा नहीं है बिजनेस नहीं हो सकता, बिना डेटा के बिजनेस ही नहीं हो सकता, इसलिए डेटा समझना जरूरी है, उसको स्टडी भी करता आना चाहिए। आप लोग बस बिजनेस करते जा रहे हो, नॉट नीड, मतलब ऐसा बिजनेस हो ही नहीं सकता। जैसे डिमांड आएगी सर मैं वैसे सप्लाई करूंगा, नो, यू हैव टू बी प्रिपेयर इन द मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में समर आने वाला है, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ेगी, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी, अभी से बनाना स्टार्ट करना है। यस, आप लोग जब डिमांड क्रिएट होगी तब बनाना बैठोगे तो कब तैयार करोगे, मार्केट में आप पीछे रह जाओगे। तो यू मस्ट बी फुल प्रूफ, फुल प्रिपेयर्ड, एंड दैट्स व्हाई यू नीड डेटा एंड यू हैव स्किल्स टू एनालाइज द डेटा। दैट्स व्हाई ऑल दिस 5 चैप्टर्स आर देयर टू स्टडी द डेटा। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है डेटा, डेटा के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो ट्री डायग्राम है थोड़ा सा उसको हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले डेटा के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है, डेटा के 2 मेन पार्ट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल के अपने खुद 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा और एक होता है एट्रीब्यूट। इसको हम लोग क्वालिटेटिव डेटा भी कह सकते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट को और वर्ड क्या आएगा, क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है,
एंड क्वांटिटेटिव के भी दो अपने पार्ट होते हैं, दैट इज डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसमें से हर चीज को अच्छे से समझ लो, हर चीज को, हर एक छोटी छोटी जो टर्म है उसको अच्छे से समझ लो। आप डेटा तो समझ गए, व्हाट इज डेटा, बराबर, मैंने डेटा आपको बता दिया। डेटा इज नथिंग बट द कलेक्टिव इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे दैट इज डेटा। समझ लो, कल आपको एक स्टार्टअप खोलना है जोमेटो टाइप का, ठीक है, मैं आज एक आपको आइडिया देता हूँ। चलो स्टार्टअप की, मेरे दिमाग में कितने दिन से चल रहा था एक स्टार्टअप, शायद वो आप लोग भी खोल सकते हैं अभी। वो आइडिया ऐसा है मेरा कि हम लोग जब भी सलून में जाते हैं तो आपका टाइम पास होता है कि नहीं होता है, कुछ नंबर्स वहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे रहते हैं और आपको क्या लगता है फिर, अरे एक घंटा ऐसे चला गया, तो कौन नहीं चाहेगा दुनिया में कि उसको प्रॉम्प्ट सर्विस मिले, मिल सकती है ना, प्रॉम्प्ट सर्विस आनी चाहिए मार्केट में। कैसे आएगी प्रॉम्प्ट सर्विस, सिंपल है, आप एक ऐप बनाओ जैसे कि जोमेटो का होता है, आप आपका स्लॉट बुक कर लो और वो सामने वाला चेक करेगा वेंडर कि आपके स्लॉट में अवेलेबल, मतलब उसके पास टाइम है क्या आपको देने के लिए। पहली बात तो आप जाओगे उस ऐप में, सिंपल सर्च करोगे सलून नियर मी, आपको 10 ऑप्शन खड़े हो जाएंगे, 5 किलोमीटर की रेडियस में आपको कितने सलून से वो आपको पता चल जाएंगे। फिर वो आप लोग रिक्वेस्ट डालोगे कि मैं इतने बजे आ सकता हूँ, ये इतने मिनट में पहुँच सकता हूँ, क्या आपके पास देने के लिए समय है, वो सामने बोलेगा यस, आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई कि आप तुरंत घर से जा सकते हो और आप वहाँ पे जाके तुरंत आपकी सर्विस ले सकते हो, यू नो नीड टू वेट। लाइक दिस यू कैन पेड अर्लियर, यू कैन पेड अर्लियर सो दैट आपको वो भी झंझट नहीं रहेगा कि मैं पैसे कैरी किया हो कि नहीं किया हो, आपने ऑलरेडी पेड कर दिया है आपको जो भी सर्विस चाहिए उसके हिसाब से। सेम ब्यूटी पार्लर का भी हो सकता है, सेम हर चीज़ का हो सकता है, तो दैट इज नथिंग बट द बिजनेस स्टार्टअप। इसके लिए आपको क्या लगेगा, डेटा। आपको क्या चाहिए, लोगों के नंबर्स चाहिए, लोग कहाँ पे ज़्यादा कौन से टाइम पे प्रेफर करते हैं, ताकि आपकी कंपनी वेंडर्स को अच्छी सर्विस दे पाए, कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाए, तो दैट इज डेटा। यू नीड वेरी लार्ज एंड वेरी वास्ट डेटा, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नागपुर में अगर जाओगे तो नागपुर के अंदर लोग दोपहर को बाहर नहीं निकलेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टेम्परेचर, तो नहीं निकलेंगे। तो इट्स दैट्स वाई यू कैन डिजाइन यूअर बिजनेस इन मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल। तो ये सब डेटा है एक्चुअली, नासिक जैसे सिटीज में, मुंबई जैसे सिटीज में एनी टाइम, मुंबई में तो नाइट लाइफ भी है तो वहाँ पे 24/7 सर्विस डिजाइन कर सकते हैं, नासिक के अंदर एक सर्टन टाइम पीरियड है उसके अंदर आप लोग कर सकते हैं, दैट इज द केस। सो डेटा इज नीडेड, डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने जैसे बोला वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, हम लोग इसको समझ लेंगे हर चीज़ को। बाद में मैंने बोला वेरिएबल के खुद अपने दो टाइप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव को सिर्फ वेरिएबल बोलेंगे तो भी चलता, लेकिन इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि वेरिएबल के दो टाइप है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव को और वर्ड क्या है, एट्रीब्यूट, उसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट। एंड क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट के दो टाइप पड़ते हैं, वो दो है डिस्क्रीट एंड एक है कंटिन्यूस। क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है थोड़ा समझ लेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी एक डेस्टिनेशन ले लो, जैसे कि कोई भी हिल है, पांडोलिनी ले लो, बोरगढ़ ले लो, महाबलेश्वर ले लो, है ना, कुछ भी एवरेस्ट ले लो, क्या उसकी हाइट फिक्स है कि नहीं है, कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट फिक्स है कि नहीं है, हाइट फिक्स है, सालों साल फिक्स है, कितने तो भी दशक हो गए शतक हो गए हाइट जैसी थी वैसे ही है, बराबर है। कोई इंसान एक उम्र का हो जाने के बाद उसकी हाइट बढ़ती है क्या, सर्टन टाइम पीरियड होता है ना, तो हाइट क्या हो गई तुम्हारी अभी, फिक्स्ड कॉन्स्टेंट हो गई, अब वो चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो जब भी हम लोग कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं दुनिया में, डेटा कलेक्ट करना जाना है तुमको, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दो टाइप के आपको डेटा नजर आएंगे, एक कॉन्स्टेंट डेटा होते हैं और कुछ डेटा कैसे होते हैं, वेरिएबल। कॉन्स्टेंट का मतलब इतना सिंपल है, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू इज कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट। जो बोल्ड किए हैं उन वर्ड्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होता है, ओके, सिंपल कलर में या फिर बोल्ड किए होते या अंडरलाइन होते वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू कंसिडर एज अ कॉन्स्टेंट, डज नॉट चेंज मतलब क्या, वैल्यू चेंज करेगा नहीं, जैसे वैसे रहेगा। पार्ले जी का बिस्किट का पुड़ा 4 रुपये 5 रुपये जो भी है वो सालों साल वही चलता आ रहा है, बाकी ब्रांड आए चले गए, उनके कीमतें नीचे ऊपर होती रहती है, लेकिन ये क्या है, फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है।
अरे बात समझ में? तो ये कांस्टेंट मतलब क्या, जो चेंज नहीं होता है मार्केट में, दैट इज व्हाट कांस्टेंट। क्लियर सबको? कांस्टेंट डेटा समझ में आया? कौन सी हाइट मैंने बोला, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ पर्सन, या हाइट ऑफ हिल, या कोई भी डेस्टिनेशन, या किलोमीटर भी कह सकते हैं आप लोग। आपका यहाँ का डिस्टेंस और आपके घर का डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज होता नहीं है, दैट इज वॉट कॉन्स्टेंट। नाउ वेरिएबल क्या चीज है, अभी आप लोग इसको देख सकते हैं। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है। वेरिएबल, वेरिएबल मतलब वेरी, टू वेरी, वेरी मतलब चेंज होना। देर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड चेंज देयर वैल्यूज। किसी किसी डेटा के अंदर क्वालिटी चेंज होती है और किसी किसी डेटा के अंदर क्वांटिटी चेंज होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल के दाम क्या होता है, रोज वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है, मतलब उसमें क्या चेंज हुआ, क्वांटिटी चेंज हुई। और क्वालिटी के केस में क्या कहूँ मैं, जैसे कि कोई भी सब्जी लेने जाते हैं, वो सब्जी की क्वालिटी आपको हर बार क्या सेम ही मिलती है? कोई भी फ्रूट्स हम लोग खरीदते हैं, क्या वो क्वालिटी सेम ही मिलती है? एक होटल का खाना भी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकता। लास्ट टाइम जो खाया था वो इस टाइम ऐसा ही टेस्ट आएगा, जरूरी नहीं है, आ भी सकता, उससे बेटर आ सकता है, उससे लेस भी आ सकता। क्लियर है? तो कोई बच्चा पास भी होगा और फेल भी होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वालिटी में चेंज हो गया। क्वालिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। कभी पास भी होगा कोई, कोई कोई फेल भी होगा, दैट इज सिंपल क्या है, ये क्वालिटी चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती है वेरिएबल, जो चेंज हो सकती है, अपनी वैल्यू चेंज कर सकती है, ऐसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्लियर है क्या आपको? बेसिक दो चीज़ें बताई मैंने, कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्लियर है, जो बदल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता। एंड वेरिएबल मतलब जो बदल सकता, और वो क्वालिटी बदल सकता और क्वांटिटी बदल सकता। सबसे पहले हम लोग एट्रीब्यूट देख लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या चीज़ है? इस पिंक पिक्चर दिया है आपके सामने, इन पिक्चरों को थोड़ा सा आप लोग एनालाइज करो, आइडिया आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं। क्या दिया है इधर, पहले ब्लड ग्रुप्स दिए है ना, एट्रीब्यूट है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप अलग है, इनका ब्लड ग्रुप अलग है, मेरा अलग है, इन शॉर्ट व्हाट एट्रीब्यूट है हमारा, ये करेक्टरिस्टिक्स है अपनी अपनी, है ना। तो ब्लड ग्रुप रोज चेंज होता है क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब क्या है, वो अलग अलग है हर किसी का, ये कहना है। ये चीज क्या दिखा रही है एक्चुअली, नो ब्यूटी, ब्यूटी होती है। अब जाने दो, थोड़ी देर में बताता हूँ ये एग्जाम्पल। योर नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या चीज़ है, इंडियन, ब्रिटेन, है ना, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ये चीज़ क्या है, नेशनलिटी। ये भी हमारा एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट है मतलब हमारी क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटेटिव चीज़ है हमारे अंदर, वो चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, चेंज हो सकती है। अगर मैं इंडिया की नेशनलिटी छोड़कर अगर कल किसी भी देश की लेता हूँ, तो मैं इंडिया की छोड़ रहा हूँ और उस देश की ले रहा हूँ, इन शॉर्ट वॉट मैंने मेरी नेशनलिटी चेंज कर ली, तो नेशनलिटी इज नथिंग बट द क्वालिटी। क्लियर है आप लोगों को? तो जैसे यहाँ पे दिया है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव दो वर्ड होते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, हम लोग काय में डील कर रहे हैं अभी, क्वालिटी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर, मेल फीमेल मतलब, नेशनलिटी, रिलीजन, ग्रेड इन एग्जामिनेशन, ग्रेड मिलते हैं ना ABCD, A+ B+, वो चीज, ब्लड ग्रुप, ब्यूटी, डिफेक्टिवनेस ऑफ एन आर्टिकल प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का समझ में आया? एट्रीब्यूट मतलब क्वालिटी चेंज, क्वालिटी में चेंज आना, क्वांटिटी में नहीं, काय में आ रहा है, क्वालिटी। एग्जाम्पल भी देने आना चाहिए एग्जाम, एग्जाम में क्या देंगे एग्जाम्पल, जिसमें से जो याद रहेंगे वो, तुम्हें ब्यूटी याद रहेगी, तुम्हें रिलीजन याद रह सकता, ब्लड ग्रुप है, जेंडर है ना, ऐसे सिंपल, पास फेल ये सब चीज़ है, ये क्या होता है, क्वालिटी होता है। एंड दैट इज सिंपल, यू हैव टू टेक क्वालिटी सिंपली। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या चीज़ है अभी, उसके एग्जैक्टली उल्टा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल देखो आपके सामने कुछ पिक्चर्स है, यस, बिफोर क्वारंटाइन एंड आफ्टर क्वारंटाइन यू कैन ऑब्जर्व द चेंज, और इनको तो आप लोग जानते ही हो, जानते हो कि इनको थैनोस, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी, यस। तो ये भी कुछ कह रहे हैं, प्रॉफिट
प्रॉफिट प्रॉफिट। तो ये कुछ चीजें हैं जो क्वांटिटी में बदल रही है। इसका प्रॉब्लम क्या हो गया? वेट गेन हो गया। ये सुनो, क्वांटिटी बदल गई, क्वालिटी बदली क्या? जो है वही इधर है, लेकिन क्या है, क्वांटिटी बदली है। आई बात समझ में? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, किसी पॉपुलेशन कम होती है, ये चीज। और प्रॉफिट, सेल्समैन का प्रॉफिट, समझो ये सेल्समैन है तो इनका प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। जैसे वेरिएबल, वेरिएबल क्या चीज है? अभी अभी मैंने बताया, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले क्या था इस केस में? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। आ रहा है समझ में फर्क? यहाँ पे क्या है? क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक अ वेट ऑफ पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ मार्क्स, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, प्रॉफिट ऑफ अ सेल्समैन इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वेरिएबल। वेरिएबल समझ में आया क्या चीज है? वेट ऑफ पर्सन क्या होता है? चेंज होता है, वेरिएबल है, वेरी है, लेकिन वो क्या है? क्वांटिटी, 1 kg, 2 kg क्वांटिटी है, उसको क्वालिटी नहीं कह सकते हम लोग, है ना। एग्जामिनेशन में मार्क्स आए 60%, 70%, 80%, ये क्या है? मार्क्स है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, पॉपुलेशन भी चेंज हो सकती है, प्रॉफिट भी चेंज हो सकता है, एंड दिस इज ऑल व्हाट? वेरिएबल्स। क्लियर है आप लोगों को? तो क्वांटिटी वर्ड समझ में, दिमाग में ऐसे लगा के रखो, क्वांटिटी माने वेरिएबल, क्वालिटी मतलब एट्रीब्यूट। समझ में आया? कल को मैं ऐसे एमसीक्यू दे दूं कि जेंडर ऑफ अ पर्सन इज व्हाट, क्वांटिटी, अब इट इज एट्रीब्यूट और वेरिएबल, तो इट इज अ एट्रीब्यूट। नेशनलिटी ऑफ पर्सन इज व्हाट, बराबर है। पॉपुलेशन इन कंट्री इज व्हाट, वेरिएबल। एंड नेशनलिटी इन कंट्री इज व्हाट, एट्रीब्यूट। ये डिफरेंस है, समझ में आया? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। सो बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल भी कितने रहते हैं? दो टाइप के रहते हैं, हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। कुछ लोग ऐसे है, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। कैसे? नीचे एग्जांपल दिया है, समझ सकते हो आप, खुद को भी देख लो कि हम लोग कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ऐसा है कि ऐसा है, जिंदगी ऐसा बना लिया है कि ऐसा किया है, इसको हम लोग बोलते हैं ना सॉर्टेड लाइफ, ऑर्गेनाइज लाइफ, लाइक दिस। And this is what? This is what? Unorganized. एक ही चक्कर के अंदर सारा, मतलब सेंटर में एक ही चीज रखा है एंड सारी दुनिया वहीं पे गोल करने की कोशिश जा रही है, ऐसा हो नहीं सकता। सॉर्टेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और ये क्या है? कंटिन्यूएशन में आ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, बहुत सारा एक एक जगह पे है, दैट इज द केस। तो डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। क्या है डिस्क्रीट वेरिएबल, क्या है कंटिन्यूस वेरिएबल, लेट्स चेक इट। डिस्क्रीट के लिए सबसे पहले आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं, जरा देख लीजिए कि टी आर यू ई होना चाहिए। क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं एक सर्वे करना चाहता हूं, पोलियो वाला सर्वे होता है, देखो वो, आपके घर में बच्चे कितने? एक औरत बाहर आई, उनको पता है हमारे एरिया में एक औरत बाहर आई हमारे और बोली कि डेढ़ बच्चा है, क्या ये पॉसिबल है? डेढ़ बच्चा है, एक और हाफ, हमारे घर में एक और हाफ बच्चा है, ऐसा बोल सकते क्या? मतलब ये क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट गलत है कि नहीं है? वो बात अलग है, वो पति को एक और बच्चे को आधा मान रही थी, इसलिए डेढ़ बच्चा हो गया उसके घर में, वो बात अलग है। लेकिन हमारे घर में अगर बच्चे है तो कितने हैं? एक, दो, टू एंड हाफ हो सकता क्या? थ्री एंड हाफ हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इन शॉर्ट व्हाट, कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। वेरिएबल है, किसी घर में दो बच्चे है, किसी घर में तीन है, किसी के घर में चार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बच्चे हमेशा इंटीजर्स में ही होंगे ना, ऐसा हुआ क्या? पॉइंट में हुआ क्या? कोई 0.2 बच्चे, 3.5 बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेल फीमेल, मेल है नहीं तो फीमेल है, डिस्क्रीट है। फाइनाइट नंबर ऑफ पीपल, इस क्लासरूम में बैठे हुए लोग डिस्क्रिएट है, कोई पॉइंट में नहीं आया, यहाँ पे आया तो पूरा आया है ना, हाथ घर पे रह गया बाकी इधर आ गया, ऐसा नहीं हुआ, आया तो पूरा आया है। एज, एज का एक नंबर होता है, आपको जब भी एज पूछते हैं आप लोग ऐसे बताते क्या? मुझे ना 30 साल 2 महीने 5 दिन और 35 सेकंड हो गए, ऐसे बताएंगे क्या एज हमको? नहीं बताएंगे। कैसे? ईयर्स में बताते हम लोग, हाँ इतने साल हो गए,
24 साल का हूं मैं, 20 साल का हूं मैं, ऐसे कुछ बताएंगे। दैट इज वॉट एज, ट्रू फॉल्स। किसी आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता, ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों भी नहीं हो सकता, कंबाइन कुछ नहीं हो सकता। दैट इज डिस्क्रिएट, मतलब आइसोलेटेड वैल्यू होनी चाहिए। देखो अभी डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशन एग्जाम में आती है इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अ वेरिएबल टेकिंग ओनली पर्टिकुलर वैल्यू, ओनली पर्टिकुलर वैल्यू, ओनली पर्टिकुलर वैल्यू समझते ना, ट्रू या फॉल्स, मेल या फीमेल, ऐसा। और आइसोलेटेड वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिएट वेरिएबल। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, एक तो ट्रू होगा तो ट्रू एंड फॉल्स होगा तो फॉल्स, मेल होगा तो मेल एंड फीमेल होगा तो फीमेल। तो कौन सा भी वेरिएबल अगर पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है या आइसोलेटेड वैल्यू ले रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिएट वेरिएबल। एग्जाम्पल से समझो, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, सब अलग अलग है तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड, मतलब ये डिस्क्रिएट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बाय मशीन, एक बॉक्स के अंदर कितने सारे आर्टिकल्स है, समझो कप है, कप बशी वाले कप, वो है ग्लास है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। देन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, वो भी फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती किसी की। इंडिया की पॉपुलेशन गिनी जा सकती है, सरकार गिनती नहीं, वो बात अलग है, लेकिन गिनी जा सकती है और वो फाइनाइट है। नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री के अंदर वर्कर भी लिमिटेड होते हैं। एंड मोस्टली द डिस्क्रीट वेरिएबल इज नथिंग बट द इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल मतलब 1, 2, 3, कभी 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो फाइनाइट रहेगा, 100 रहेगा, 101 रहेगा, लेकिन 100.5 नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ क्या होगी, डिस्क्रिएट वेरिएबल। समझ में आया आपको डिस्क्रिएट क्या चीज़ है? डिस्क्रिएट मतलब पूरा एक चीज़ लेना है, आइसोलेटेड वैल्यूज लेनी है। ओके, ये दो नाम याद रखो, आइसोलेटेड वैल्यू एंड पर्टिकुलर वैल्यू। एग्जाम्पल जो याद आए आपको एग्जाम में, वो दो तीन दिए तो भी चलेगा, बाकी डेफिनेशन थोड़ी सी दो लाइन की लर्न होनी चाहिए। क्लियर है आपको? एंड लास्टली कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल क्या चीज होता है, आप एग्जाम मतलब एग्जाम्पल में देख सकते हो। हमारी जो हाइट होती है बढ़ते समय की हाइट, मतलब बचपन से, क्या वो ऐसी बढ़ती है क्या, 1 सेंटीमीटर के बाद डायरेक्ट 2 सेंटीमीटर हो गई, ऐसा होता है कभी? बच्चे की हाइट कल 1 सेंटीमीटर थी, समझो आज लगे 1 सेंटीमीटर से हो गया वो ऊंचा, ऐसा होता है क्या सडनली? कैसा बढ़ता है फिर? बहुत ही धीरे, मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, यस और नो? वेरी स्मॉल वे से वो बढ़ती है, एकदम पॉइंट बाय पॉइंट। वेट भी हमारा कल था 52 kg, आज आ गया 60 हो गया सर, हो सकता है क्या ऐसा? 52 का सडनली 60 हो जाएगा क्या? 52 का 53 भी नहीं होता सडनली, सडनली 53 भी नहीं होता, 1 kg भी नहीं बढ़ सकता। आई बात समझ में? तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ होती है ना, मतलब बीच की वैल्यू ले रहा है ना, 52 से 53 के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती है, 52.5 कभी होगा होगा, 52.6 हुआ होगा, फिर 7, फिर 8, ऐसे होकर होकर वो 53 पे पहुंचा, बराबर है? इस तरीके से वो आगे आगे जाएगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस भी कैसा चीज़ है? डिस्टेंस एक्चुअली हम लोग बोलते 2 किलोमीटर, आप लोगों ने वो ऊपर ऊपर गिना हुआ है 2 किलोमीटर। आप लोग वर्नियर कैलिपर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वो लगा के देखेंगे तो वो 2 किलोमीटर नहीं आएगा, वो 2 किलोमीटर एंड समथिंग मीटर, समथिंग कम या समथिंग ज़्यादा आएगा इस तरीके से। या टाइम, टाइम हम लोग बोलते हैं टाइम कितना हुआ है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि 12:00 हुए, मतलब 35 मिनट्स हुए समझो, 35 के बाद में थोड़ा सा और आगे भी तो बढ़ता है, सेकेंड्स भी बोल सकते, मिली सेकेंड्स भी बोल सकते। तो ये चीज़ जब किसी डेटा को इतने बारीकी से जब गिना जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल। समझ में आया? कुछ डेटा ऐसा गिनना पड़ता है, कुछ डेटा वैसा गिनना पड़ता है डिस्क्रिएट में। नंबर ऑफ बच्चे इन योर फैमिली अगर गिनने जाओगे तो डिस्क्रिएट ही जाएगा, लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल मतलब कितना उसका वजन है ये अगर गिनना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस में लाना पड़ेगा। क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो। वेरिएबल टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ सर्टन रेंज। कैसे? टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल है वो सारी, तो 1.2 भी है, 1.5 भी, 1.7 भी है, सारी वैल्यूज जितनी पॉसिबल है उतनी। किसी को चाहिए तो 1.0001 भी ले सकता, वो 1.222 भी ले सकता, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो लेना है सर्टन रेंज के अंदर, इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस वेरिएबल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वेट ऑफ पर्सन,
लेंथ ऑफ स्क्रू प्रोड्यूस बाय द मशीन, टेम्परेचर एट अ सर्टन प्लेस, जैसे हमारे इधर का टेम्परेचर सडन राइज होता है क्या? सुबह जब होती है, सूरज जब आता है, तब आ गया क्या टेम्परेचर डायरेक्ट 30 डिग्री? धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, डिग्री बाय डिग्री, डिग्री बाय डिग्री, एंड देन इट इज राइज एट सम लेवल. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आप लोगों को पता होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी सडन राइज नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे आप सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाओगे वैसा. इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ऑफ योर फैमिली, वो भी फिक्स नहीं होता, वो भी पॉइंट पॉइंट में गिना जाता है ना, एक यूनिट यूज किया, वन एंड हाफ यूनिट यूज किया, कितना यूज किया. एंड स्पीड, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के अंदर जो स्पीड होता है वो भी सडन राइज नहीं होता है, 10 किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर पे चला गया, नहीं, बीच में कुछ नंबर्स होते हैं वो होते हैं और फिर 20 पे चला जाता है. और जो निडल होता है वो आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे ऊपर होगा तो धीरे धीरे नीचे भी आता है. तो ये चीज जो है दैट इज नथिंग बट द कंटिन्यूस वेरिएबल. क्लियर है आप लोगों को सारा ये चीज, क्या क्या किसके बाद क्या आता है क्या नहीं आता है? तो एक बार ये देख लो कि ये क्या बता रहा था मैं. ये टोटल टॉपिक हमारा यहाँ पे एक सेगमेंट है, इसको अच्छे से देख लो. सबसे पहले मैंने डेटा बताया, कलेक्टिव द इंफॉर्मेशन, देन वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट के बीच का डेफिनेशन, मतलब मैंने बताया डिफरेंस क्या है. वेरिएबल मतलब चेंज होना और कॉन्स्टेंट मतलब चेंज नहीं होना, जो कोई चेंज चीज चेंज नहीं होती है वो, और वेरिएबल मतलब जो चेंज होती है वो, कौन सी भी चीज़. अब चेंज होने वाले में दो टाइप्स थे, एक क्वांटिटी में चेंज हो रहे हैं, एक क्वालिटी में चेंज हो रहे हैं. जो क्वांटिटी में हो रहे हैं उनको हम लोग कह रहे हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल या सिंपली वेरिएबल, एंड जो क्वालिटी में हो रहे हैं उनको हम लोगों ने क्या बोला, एट्रीब्यूट. एग्जांपल दिए मैंने नेशनलिटी, जेंडर वगैरह, और उसके अंदर मार्क्स वगैरह, वो सब चीज़ें. क्वांटिटी के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होती है डिस्क्रीट एंड एक होता है कंटिन्यूस. डिस्क्रीट का मतलब मैंने समझाया कि जो इंटीग्रल वैल्यूज देती है, आइसोलेटेड वैल्यूज देती है ना, एक के बाद डायरेक्ट स्टेप करेगी, वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा, बीच के वैल्यू लेगा नहीं, ऐसा वाला होता है डिस्क्रीट. एंड कंटिन्यूस का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज, जितनी भी है जो भी है वो सब लेगा, दैट इज व्हाट कंटिन्यूस वेरिएबल. क्लियर इधर तक सबको? समझ में आया है डेटा का? यस yes. तो अभी आप लोगों को इतना ही समझना है कि आज के लिए तो इतना ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर था. लेकिन डेटा जो होता है, ये डेटा हमने अभी क्या किया, सिर्फ समझ लिया डेटा का टाइप क्या है. कल हम लोग ये पढ़ेंगे कि डेटा किस टाइप के होते हैं, कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, हम लोग खुद लेने के लिए जाएंगे या कोई और हमें लेके देगा, तो वो टाइप्स कैसे है क्या नहीं है, वो सब डेटा हम लोग पढ़ेंगे. डेटा हमारे पास आने के बाद एक BBA का स्टूडेंट या एक मैनेजर क्या करेगा, उस डेटा का कैसे एनालाइज करेगा. तो जैसे आपके पास आपने गेहूँ लिए होंगे कभी, तो गेहूँ आने के बाद आप तुरंत उसको डालते हो क्या मील में? उसको पहले कुछ साफ वाफ करना होता है कि नहीं होता है? होता है ना. तो वो चीज़ डेटा को भी साफ करना पड़ता, उसको बोलते क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, एनालाइज करने के लिए प्रोसेस करेंगे. तो एनालाइज करना मतलब वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, मीन मोड मीडियन डिस्पर्शन एनालाइज करना है. उसके ऊपर से फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, उसके ऊपर से कंक्लूजन बनाना. तो ये सारी प्रोसेस है डेटा की. समझ में आया? सबसे पहले कलेक्शन हम लोग पढ़ क्या रहे अभी, कलेक्शन. उसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब उसको अलग अलग करो, देन एनालाइजिंग द डेटा एनालाइज करो, एंड लास्टली क्या करना होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उसको इंटरप्रिट करो. तो ये पूरा कोर्स का तुम्हारा मतलब लाइन एंड लेंथ है. सो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर एंड हैप्पी लर्निंग विद KKCA. हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है क्या नहीं है कैसा है. तब तक के लिए जुड़े रहिए और आपके सारे दोस्तों को बताते रहिए हमारे इस क्लास के बारे में.